हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैंने सिंधी तोशा रेसिपी बनाई है। गाइस, ये सिंधी तोशा बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनते हैं, और सबसे मज़े की बात, ये आप चाय के साथ खा सकते हो और इसको कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हो। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि सिंधी तोशा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास आधा कप मिल्क है। अब ये मेरे पास खोया है जो कि आधा पाव जितना है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एक पाव जितनी चीनी। इन तीनों चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाती तब तक इसको अच्छे से मिक्स करो। अब ये देखें गाइस, खोया है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। बस थोड़ा सा ये एक मिनट के लिए बॉयल हो जाए, फिर मैं चूल्हे को कर देती हूँ ऑफ। सबसे पहले ये मेरे पास है मैदा। ऐड करने जा रही हूँ बेकिंग सोडा। साथ में इसमें ऐड करने जा रही हूँ एक कटोरी व्हीट फ्लोर। अब इसको अच्छे से मिक्स करो ताकि बेकिंग सोडा और आटा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुकिंग ऑयल। फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो ऑयल है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मेरे पास हैं इलायची के दाने। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके जो पत्ते हैं वो मैंने निकाल के रख दिए हैं, वो आप फेंकना मत, उसको आप चाय में यूज़ कर सकते हो। अब फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दो। ये मेरे पास है चाशनी जो कि मैंने खोए चीनी और दूध के साथ मिक्स करके बनाई थी। अब ये चाशनी जो है वो ठंडी हो गई है। अब ये देखें, थोड़ी थोड़ी जो चाशनी है वो मैदे में ऐड करते जाओ और फिर आटे को मिक्स करते जाओ। मैदे को अच्छे से गूंदना है, लेकिन याद रहे इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, चाशनी के साथ ही मैदे को गूंदना है। थोड़ी थोड़ी हम चाशनी ऐड करते जाएंगे और फिर मैदे को गूंदते जाएंगे। गाइस, ये जो मिठाई है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है, तो एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो हम इसको तोशा बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप इसको सिंधी मिठाई भी बोल सकते हो। ये खाने में स्वीट डिश बहुत ही मज़े की बनती है, और याद रहे कि इसमें आपको पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब थोड़ी थोड़ी चाशनी जो है इसमें ऐड करते जाओ। ये बहुत ही इजी है, तो एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब ये देखें, धीरे धीरे जो मैदा है वो अच्छे से गूंदता जा रहा है और चाशनी भी ये अच्छे से मिक्स होती जा रही है। अब दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छे से, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं या पूरी हो, किसी भी किस्म का आटा जो है गूंदते हैं, ये आपको दोनों हाथों की मदद से ही गूंदना है। गाइस, जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ आप भी वैसे वैसे करते जाना, ये बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ताकि जितना भी आटा है सारा का सारा अच्छे से मिल जाए। जो आटा है वो अच्छे से गूंद गया है, ये देखें, ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ये फिंगर की मदद से देख रहे हैं, हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल ही अच्छे से, ये देखें, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसमें हम चाशनी ऐड की हुई है, पानी ऐड नहीं किया हुआ। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट कवर कर देती हूँ और फिर मैं आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करती हूँ। अब सबसे पहले मैं एक पेड़ा लूँगी, ये देखें। अब ये देखें, इतना सा पेड़ा होना चाहिए, ये देखें,
इसको अच्छे से इस तरह से आपको रोल करना है। ये देखें, अब हाथों की मदद से छोटे छोटे हम इसके बॉल बनाएंगे। गाइस ये बहुत ही इजी है बनाने में, छोटे इसके बॉल बनाते जाओ। अब ये देखें गाइस, मेरे छोटे छोटे जो बॉल्स हैं ये देखें कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। ये सारे के सारे बन गए हैं। अब मैं इसको अच्छे से डीप फ्राई करूँगी। ये मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, जैसा कि आप देख रहे हो ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ छोटे बॉल्स जो कि मैंने मैदे के बनाए थे। वैसे हम तो इसे तोशा बोलते हैं, आप लोग इसको क्या कहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थोड़े थोड़े इसमें ऐड करते जाओ ऑयल में और फ्राई करते जाओ जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक। और कोशिश यही करना कि बहुत ज़्यादा ऑयल में आप ऐड ना करें। अगर बहुत ज़्यादा आप एट अ टाइम इसमें ऐड करेंगे तो ये टूट जाएंगे। खोया ऐड किया हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। देखें कितने खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। ये गाइस खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के लगते हैं। आप ये इवनिंग के टाइम चाय के साथ खा सकते हो और ये आप 4-5 दिनों एक प्लास्टिक के बॉक्स में स्टोर भी कर सकते हो। कभी भी जब कभी भी कुछ मीठा खाने का मूड हो तब आप ये खा सकते हो। कुछ दिनों तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हो या फिर ट्रैवल के वक्त जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तब भी आप इसको लेके जा सकते हो। ये देखो कितने मज़े के लग रहे हैं, है ना गाइस। ये मेरे जो है फ्राई हो गए हैं, ये देखें कितने खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं, है ना। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। ये देखो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से बनाओ। ये सिंधी मिठाई कहो या इसे तोशा कहो, आप कुछ भी कहो, हम तो इसे तोशा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो गाइस प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मुझे भी पता चल सके आप इस मिठाई को क्या कहते हो। ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट और मुलायम लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।